जय श्री राम भाइयों, जय श्री राम बंधुओं, हरण महादेव नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। हेलो टू एवरीवन। ये एमपी मध्य प्रदेश का मामला है, हरदा। हरदा में बने कब्रिस्तान का एक आजकल सोशल मीडिया में गाना बहुत वायरल हो रहा है। वीडियो में बैकग्राउंड में गाना लगा हुआ है जिसमें 5 युवक नज़र आ रहे हैं एक निहत्ते युवक को मारते हुए। वीडियो में गाना है, ना लोड पड़े हथियारों की, ना लोड पड़े हथियारों की। ये गाना उसमें वायरल हो रहा है और उसमें 5 युवक जो है उसे एक लड़के को बेरहमी से मारते हुए नज़र आ रहे हैं। इन युवकों के नाम हैं इकबाल, शुहेब और अन्य 5 भी हैं इसमें। इकबाल, शुहेब, आरिफ, अकीब, सैफ, ये लोग हैं और अन्य लोग भी हैं जिनमें जिनको देखकर जो परिवार के सदस्य हैं वो काफ़ी गुस्साए हुए हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जो मनीष अग्रवाल हैं, एसपी मनीष अग्रवाल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा एसपी। तो मनीष अग्रवाल जो है उन्होंने बताया है कि पांचों पर केस दर्ज कर लिया गया है और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक मामला तो पीड़ित ने खुद रजिस्टर्ड करवाया है। कि उसकी आप बीती बताइए कि क्या उस पर उसके साथ जुल्म सितम हुआ। और एक मामला अभिषेक नाम के व्यक्ति ने दर्ज कराया है, अभिषेक राठौर नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज कराया है। हालांकि उनकी जानकारी ऐसे नहीं देनी चाहिए मित्रों, क्योंकि ये बहुत गलत होता है, उनके परिवारों के साथ अच्छा नहीं। उन्होंने ये अभिषेक राठौर ने दूसरा मामला दर्ज कराते हुए कहा है कि पूरे समाज में और परिवार इतना गुस्से में है और इन लोगों ने पूरे गाँव में दहशत फैलाने का जो कार्य करा है इस वीडियो को जारी करके, और इससे लोगों में भय की स्थिति और असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इस प्रकार के लोगों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर लोग मौके पे नहीं पहुंचते तो शायद ये लड़के की जान भी ले लेते। और इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं इनके इस प्रकार के कृत्य करने से जो समाज है उसमें एक डर का माहौल तो बनता ही है, लेकिन उनको अपने ही लोगों से घृणा होने लग जाती है कि क्या हमारे लोग इतने कमज़ोर हैं जो मार खा रहे हैं, क्या समाज में एकता नहीं है। तो इस प्रकार से वो लोग दहशत में हैं और वो लोग गुस्से में भी हैं, कह रहे हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जो है रास्ते पर उतरेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए पुलिस ने समाज में दंगा भड़काने और व्यक्ति के साथ मारपीट कर दहशत फैलाने के आरोप में 294, 323, 506 और दफा 34 के अंतर्गत मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। 294 आर्टिकल 294 केस हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द आर्टिकल 294, 323, 506 एंड 34 आर्टिकल। इन आर्टिकल्स के अंतर्गत ये मामला दर्ज कर दिया गया है और इकबाल और शुएब को पंजीकृत कर मामले को उनकी धरपकड़ कर ली गई है और बाकी आरोपियों के खिलाफ जो है टीम तैयार की गई है जो उनको पकड़ने के लिए जगह जगह से शिनाख्ती पे लगी हुई है। आप क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में ज़रूर लिख के बताइएगा। और मैं हिंदू युवकों से कहती हूँ कि कई मामले जो है ना ये खुद भी सुलटाना सीखो। अगर इसके 5 लोग थे तो तुम्हारे 20 लोग कहाँ मर रहे थे। ऐसे तुम्हें वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रा अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए भी ये ठुकाई तुम भी कर सकते थे। और 10 बार कहा है शस्त्र शास्त्र, इसकी हमारी पद्धति रही है। ये मार खाने वाला युग कभी नहीं रहा है, और मार खाने वाला युग रहा होता ना तो युधिष्ठिर मार खा के एक झोपड़ी लेके बैठ जाते। यहाँ कहा गया है भाई भाई का दुश्मन कब है, जब अन्याय है। तो जब युधिष्ठिर के साथ अन्याय हुआ तो उन्होंने अपने ही चचेरे भाइयों के खिलाफ महाभारत करी। करोड़ों लोग मरे। जब धृतराष्ट्र ने पूछा किससे पूछा था कि कितने लोग मरे हैं,
तो उन्होंने क्या कहा, बहुत लोग चारों ओर मृत शैया पड़ी हुई हैं, कहा उन्होंने मृत कायाएं हैं, कितने पड़े हुए थे। तो आप ये समझो, पांच गांव ना देने की एवज में, अपनी औरत के मान सम्मान की एवज में, हालांकि एक आदमी को जुआ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, आप एक औरत को जुए में हार जा रहे हैं अपनी, ये भी मैं आपको इस मामले में, मुझे ये बात कुछ इतिहास की पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी स्त्री का उन्होंने वो चाहे गर्मा गर्मी में जोशा जोश में कर दिया खेल, लेकिन बाद में अपनी उसी महिला के सम्मान के लिए वो लोग क्या हुए, लड़ाई लड़े, समझे। तो उन्होंने अपने भाई तक को नहीं छोड़ा, और आपको कोई आड़ा तिरछा टुच्चा आके मार जाता है और आप कहते उदारता है। उदारता हिंदू धर्म में कभी नहीं रही है। जो आजकल मैं शोध कर रही हूँ, मैं उन शोधों से निष्कर्ष निकाला है कि हमारे वहाँ पापी को सजा देने का प्रावधान बचपन पुराणिक कथाओं से रहा है। अगर कोई भी पुराणिक कथा उठाइए तो कभी कृष्ण ने नहीं कहा कि 100 गालियों के बाद मैं तुझे उदारता दिखाऊंगा। 100 गाली तक उदारता सही, और गालियाँ क्या थी, तुम नीच हो, तुम चतुर हो, तुम अभिमानी हो, तुम में अहंकार है, तुम बहुरूपीय हो, ये गालियाँ हुआ करती थी। आज तो तेरी माँ की तेरी बहन की हुआ करती है। तो सोचिए, अगर वो उदारता होती तो कृष्ण भगवान कहते चलो बोली तो रहा है, बोलने दो, ऐसा नहीं था। ये जो आज मैं ये कहती हूँ, जो मैंने नया शोध कराया, अब चुरा लेना। अब भैया यूट्यूबर भाइयों, अगर चुराओगे तो क्रेडिट दे देना, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भले ही छोटा है, तुम्हारे चाहे फेक 1,00,000 व्यू आ जाएं, ठीक है ना, तुम्हारे गुर्गे तुम्हारे 1,00,000 व्यू फेक भी कर दें, तो ये बात याद रखना कि जो मैं कह रही हूँ ये मेरी बुद्धि है, और मैंने आज ये दिन में शोध कराया, और आज इसलिए ये लोगों को बताना ज़रूरी है कि हिंदू धर्म जो हमारा है, उदारता पुदारता का कोई नहीं रहा। ये गांधी ने जो करा है, मैंने जैसे गांधी के झुंझुनू की बात करी, तो एक दीदी ने चुरा लिया, उसको क्रेडिट भी नहीं दिया, क्योंकि उनकी पीआर टीम बड़ी मजबूत है, तो वो बात कर लिया, तो ठीक है ना। गांधी जी ने झुंझुना जरूर पकड़ा है, लेकिन मैंने पुराणिक जितनी कथाओं का अध्ययन करा है, उन पुराणिक कथाओं में तो कोई भी भगवान हमारे इतने उदार नहीं रहे। उन्होंने दया करी उस पे जो भक्त था, जो पूजा अर्चना करता था, अच्छे कार्य करता था, लेकिन जो दोषी हुआ करता था उसका संहार करने की तो भगवान ने हमें पहले से इजाज़त दी है, पहले से परमिशन दिया है। मार खाने वाला धर्म नहीं है हिंदू, ये योद्धाओं की कौम है, जिसको नपुंसक बनाया गया है एक रणनीति के तहत। इसलिए लड़ना सीखो ना, लोड पड़े हथियारों की, ठीक है ना, तो लोड पड़े ना हथियारों की, तो उन लोगों को बताओ कैसी लोड पड़े, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप करना सीखो, ये मार खा के तुम्हारे मुकदमे जब दैनिक भास्कर छापेगा, जब तुम्हारे मुकदमे एसपी एफआईआर लिखेंगे या एसपी इस पर शिनाख्त करेंगे, तभी तुम्हारी शिनाख्त होगी, तभी तुम्हारे अपराधी पकड़े जाएंगे। तुम में इतना दम होना चाहिए कि अपने 100 लोग अपनी टीम के, जिस जगह रहते हो वहाँ पर जितने भाई हैं, चाहे आपका निजी एक दूसरे को लाइक करते हो नहीं करते हो, एक दूसरे के नंबर रखो, और जैसे कोई बात हो तो सारे लोग इकट्ठा हो, लाठी डंडे सारी चीज़ लेके पहुँचो, हिसाब किताब वहीं पर वही खाता उधर ही कर दो। ऐसे थोड़ी ना चलता है भाइयों, ऐसे नहीं चलता कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता रहे, आप मार खाते रहो। इफ समबडी इज बीटिंग यू, इट्स नॉट दैट यू ऑलवेज कम अप विद अ सेइंग दैट मुझे मार दिया, ही बीटन मी अप, दिस गाय हैड अ ग्रुप हैड अ गैंग एंड ही बीटन मी अप, इसने गैंग बनाया, इसने मुझे मार दिया, उसने मुझे मार दिया। वेन यू विल बी एबल टू टेक योर जस्टिस, when you will be capable enough to take your justice, when you will have this ability to have a group and ask them to contribute to take the justice for you, wo tumhare liye kaun contribute karega, ki tumhara man power kaun banega, तुम्हारा जो एक मैन पावर होता है दूसरे किस्म का, एक मैन पावर है कि तुम्हारा जो साथ देने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला वो 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 कौन बनेगा, तुम्हारा स्ट्रेंथ कौन बनेगा, तुम्हारा तुम्हारी कम्युनिटी को तुम्हारा स्ट्रेंथ बनना चाहिए। ये जो लोग हैं हमारे, ये स्ट्रेंथ नहीं बनेंगे, हम यूनिटी नहीं दिखाएंगे, तो ऐसे ही मार खाते जाओगे, अलग अलग करके पीटा जाएगा तुमको, अलग अलग बुलाया जाएगा, कब्रिस्तान में बुला रहे हैं उसको मार रहे हैं, ये क्या है, और तुम कब्रिस्तान में गए क्यों, इतना विश्वास। इसलिए सतर्क रहो, सावधान रहो। हालांकि मामला दर्ज कराया जा चुका है, अब न्याय भी होगा,
देखते हैं कब तक। वैसे मुझे एमपी की सरकार पे भरोसा है और हो सकता है कि कार्रवाई जल्दी से जल्द हो। एसपी मनीष अग्रवाल जी कार्रवाई अच्छी करेंगे ऐसा मैं सोचती हूँ, क्योंकि लोगों को बिन जाति धर्म देखे मज़हब देखे बिल्कुल निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष होके जांच करनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए और न्याय दिलाना चाहिए। और त्रुटि हो रही है बोलने में तो क्षमा चाहती हूँ, कभी कभी शब्द अटकते हैं, मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। तो एनीवेज इस मामले के बारे में आप क्या समझते हैं, और अगर आप एमपी में रहते हैं तो कभी खाली हो तो ऐसे अपने लोगों से जानकारी लिया करें कि उनको कोई तकलीफ तो नहीं, उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है, और हिंदू संगठनों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। इसी संदेश के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अब्दुल की बहनों और अब्दुल से बच के रहिएगा, इनकी किसी भी अलतक या राष्ट्रवाद की बात पर मत आइएगा, क्योंकि फिर यही कब्रिस्तानों पर कब्जा करेंगे, यही फंडिंग लेंगे, यही जकात देंगे, फिर ऐसे ही आपके लड़के लड़कियों को कोई जिहाद करेगा, कोई धर्मांतरण करेगा, कोई मारेगा पीटेगा, उसकी वीडियो वायरल करेगा, दहशत फैलाएगा, आपको डराएगा, जैसे आईसीएस वाले मुंडी काट के दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? कि तुम भी देखो, तुम्हारा हर्ष भी होगा, और बाकी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। इसलिए जो कहा जाता है कि हमारे हिंदू ये नहीं काटते वो नहीं काटते, शाकाहारी होते हैं शाकाहारी, लेकिन पहले भी वो जो गलत करता था उसकी मुंडी काटते थे। हिंदुओं की चीज़ थी, माता मुंडी की माला पहनती है, नर मुंडों की माला पहनती है। क्यों पहनती है? जो पापी होता है, रक्त बीज जैसे राक्षस जो होते हैं, वो राक्षस कौन है? ऐसे ही लोग हैं, इनकी माता मुंडी काटा करती थी। तो हिंदू धर्म पहले तो उदारता का धर्म नहीं है, उदारता केवल बेचारे और या फिर मूर्खों के साथ भी नहीं, जो भक्त तो है लेकिन कुछ अपना न्याय लेने में असमर्थ है उसके साथ ये उदारता होती थी, ना कि ऐसों के साथ उदारता जो पाप करते हैं। पापी के साथ उदारता करने वाला कायर, और मैं कायर नहीं हूँ, और आपको भी कायर ना बनने की मैं राय देती हूँ। आप क्या सोचते हैं लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। माताओं और बहनों तक वीडियो पहुँचाएं, भाइयों तक भी, दोस्तों तक भी, ताकि उन्हें जनजागृति का जो हमारा मिशन है वो सफल हो सके।